अल्लाह सुबहान यह हिजाब का सख्त हुक्म अल्लाह के रसूल मोहम्मद की बीवियों को दिया है अल्लाह के रसूल मोहम्मद की बेटियों को दिया है और अल्लाह के रसूल मोहम्मद के ज़माने की, की मुसलमान औरतों को दिया है और फिर हमको भी दिया है तो अगर हमारी कोई मुसलमान बहन ये कहे कि मेरे दिल तो साफ है मेरे दिल में कोई बुराई नहीं है सामने वाला जो सोचा सोचे लेकिन मैं तो शरीफ हूँ तो ये नजरिया बिल्कुल बेबुनियाद नजरिया है क्यों जब अल्लाह ने पाक दामन औरतों को हिजाब का हुक्म दिया है तो आप और मैं किस खेत की मूली है पूरी कुरान में और पूरी अल्लाह के रसूल मोहम्मद की सीरत से हमको कहीं भी ये दलील नहीं मिलती कि तलाक 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 कहने पर तीन बार तलाक पड़ जाती है इसकी हमको कोई दलील नहीं मिलती तौहीद की बुनियादी मालूमात रखिए अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लासम की रिसालत की बुनियादी मालूम रखिए अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लम के जो बीवियाँ हैं उनके कम अज़ कम नाम उनके बुनियादी तारुफ आप रुक लीजिए इसी तरीक़े से हैज और रिफास के तल्ल से बुनियादी मालूम रखिए नमाज के बुनियादी मालूम औरत की मैयत हो जाए तो उसको गुसल देने की बुनियादी मालूम ये तमाम मालूम रखिए क्यों क्योंकि यही तालीमा काम आने वाली है कब आएंगी एक बार आपकी सांस रुक गई और आपको आपके ही घर वाले खबर के गड़े में डाल देंगे तो आपको आपकी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की सौ डिग्रीज अगर आप कमा लें एक हजार बार नोबेल प्राइज आप जीत लें तो वो बिल्कुल काम आने वाली नहीं है यही अल्लाह रसूल की तालीम काम आने वाली है कोई भी किस्म के आप आपूम इस दुनिया में देख लें सबके ऊपर और सबसे भारी और सबसे जरूरी है हम सबके लिए अल्लाह के बारे में जान इखरा का माना है सबसे पहले अब अल्लाह के बारे में इसमें खला पहले अल्लाह मर्द की, की नमाज अलग है मुसलमान औरत की नमाज अलग हदीस में हमको इसकी कोई दलील नहीं मिलती सब की नमाज एक है वो अल्लाह के रसूल मोहम्मद की नमाज है तहारत की पहली शक्ल ही अगर मुकम्मल ना हुई हो यानी उसमें कोई कोताही हो गई हो या उसमें कोई कमी रह गई हो तो फिर अब तहारत की दूसरी शक्ल नहीं कर सकते उस पर अमल नहीं कर सकते दूसरी शक्ल पर अमल नहीं किया तो हमारी कोई नमाज कबूल नहीं होगी और हम जहन्नमी गुनहगार बेनमाजी कहलाएंगे अलमकुम वही वरकत इन शह मैं सारिया फातिमा बिनते जनाब इमरान आज के एस आई आर एफ पर, मनद होने वाले खवीन के अजतमा की नाजिमा रहूँगी ये इज्तम आई आर ई एफ के शोब खातन की जानब से मनद किया जा रहा है आप सबको मैं आई आर ई एफ के शबे खातन की जानब से तह दिल से इस्तबाल करते हुए आई आर ई एफ का बुनियादी तारुफ़ देती चलूँ आई आर ई एफ यानि इस्लामिक रिसर्च एंड एजुकेशनल फाउंडेशन एक इस्लामी दावती इदारा है जिसके बानी व सदर जनाब इमरान है आईआरईएफ की बुनियाद हमारे इस दौर के सबसे मशहूर और मरूफ़ मुबलग दीन शेख अहमद दात रही के दावती काम के नहज पर रखा गया है शेख अहमदीदात रही से मुतासर होकर जनाब इमरान ने इस्लामी दावती काम को आई के जरिए शुरू किया आई इस्लामिक रिसर्च एंड एजुकेशनल फाउंडेशन अपने शहर हैदराबाद में सन उन्नीस सौ अठानवे यानि ईस्वी में हुकूमत हिंदुस्तान से इजाज़त लेकर शुरू किया गया अल्हम्दुलिल्लाह। आई का बुनियादी मकसद इस्लाम की तबलीग और तशहर करना है और लोगों को इस्लाम की दावत पेश करना है आई का नजबुल आएन, कुरान और हदीस बफहम और मनहज साहबा रज़ी अल्लाह तम अजमीन हैं आइए अब मैं आपको आज की हमारी मकर्र महतरमा मतीन का मुख्तर तारुफ़ देती चलूँ मोहतरमा अमतुलमतिन बी एस सी जेनेटिक्स की तालब इल्म थी और उन्होंने जब जुलाई दो हज़ार पाँच ईसवी यानि टू थाउजेंड फाइव में जनाब इमरान से दूसरी बीवी की हैसियत से निकाह किया तो उसके बाद से अल्लाह की तरफ़ से यह मुमकिन हो पाया कि आई का एक मुकम्मल शब खी क़ायम किया जा सके आई का शोब खातन के ज़रिए मखसूस तोज्जो के साथ खन में दीन इस्लाम की दावत का काम किया जाता है अलहमदिल्ला आज अगर छे कि महतरमा अमतुलमतीन पांच बच्चों की माँ हैं लेकिन उन्होंने इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि औलाद या घरेलू ज़िम्मेदारी एक औरत को दावत दीन के काम से रुका सकती है माशा जनाब इमरान की तरह मोहतरमा अमतलमती अंग्रेज़ी और उर्दू ज़बान में तकारीर करती हैं और उनके तकारीर के वीडियोस जनाब इमरान के वीडियोस के साथ आप लोग यूट्यूब डॉट कॉम आई आर ई एफ वीडियोज़ पर देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मार्च 2020 के लॉकडाउन के बाद से सिर्फ ख़ीन के लिए मुनद होने वाला आज का ये तेईस जनवरी 2022 का पहला बयान है अल्लाह से दुआ है कि ये सिलसिला जारी रहे अब मैं महतरमा मतीन से गुजारिश करती हूँ कि वो अपने तकरीर के लिए स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ मोहतरामा अमतिन के आज के उर्दू बयान का है औरतों के पाँच अहम मसले और उनके जवाब अल्हदिल्ला वालाम अला मल्ला नबी अबादा वही वही अजमायन अद्लाई तो बसमिल्लर मन मिन जकरिन अन्सा वमिन

जिसका माना है आप सब पर अल्लाह सुबहान की सलामती रहमतें और बरकतें हों मेरी आज की तकरीर का है औरतों के लिए पांच अहम मसले और उनके जवाब मेरी आज की तकरीर के पर गुफु शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक बात वाजह कर दूं, खुलकर समझा दूं, खुलकर ऐलान कर दूं, ताकि मेरी तकरीर के दौरान या मेरी तकरीर के बाद किसी को कोई गलत फ़हमी ना रहे कि मैं मसलों पर फतवे देने वाली कोई मुफ्तियाँ हूँ दरअसल आज का जो अनवान है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ख़ुद से चुना है मेरे 16 साल के दावती कोशिशों के दौरान जो तजुर्बात हुए हैं मैंने ये जाना है कि ये पांच बुनियादी मसले होते हैं जो हम मुसलमान औरतों को अक्सर इनके जवाबात की तलब होती है तो अल्लाह की तोफी से ये इरादा हुआ कि क्यों ना इन पाँच मसलों पर एक मुख्तर सी तकरीर बुनियादी मालूम फराहम करते हुए दी जाए ताकि एक इलमी ख़िदमत हो जाए अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुबहान मेरी इस कोशिश को कबूल करे और मेरी बहनों के लिए मुझे इस इलमी ख़िदमत का ज़रिया बना दे आमीन इस शांच मसलों पर गुफ्तगु शुरू करने से पहले ये पाँच मसले क्या हैं इंशाल्लाह पहले वो जान लेते हैं पाँच मसलों में का सबसे पहला मसला है जो औरतों से मुतालिक है वो है हैज़ निफास इसहाजा और तहारत के मसाइल दूसरा मसला है नमाज के मसाइल तीसरा हिजाब के मसाइल चौथा इल्म हासिल करने और नौकरी करने के मसाइल और पाँचवा है निकाह तलाक खुला और जॉइंट फैमिली के मसले तो आइए सबसे पहले मेरे आज की तकरीर का जो अनवान है औरतों के पांच अहम मसले और उनके जवाब इसमें सबसे पहला जो मसला है इस पर अपनी गुफ्तु शुरू करूं। सबसे पहला मसला क्या है हैज, निफ़ास, इसिहाजा और तहारत के मसाइल लफ्ज जो हैज़ है इसका ज़िक्र अल्लाह की मुकदस किताब खुरान मजीद में कम अज कम दो मुखामत पर चार मरतबा इसका जिक्र हुआ है अगर आप मजीद पढ़ते हैं सूरतुलबरा सूर नंबर दो आयत नंबर दो सौ बाईस यानि सूर्य बखरा सूर्य नंबर टू आयत नंबर टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू और इसी तरीके से सूर्य तलाक सूर्य नंबर पैंसठ आयत नंबर चार यानी सूर्य तलाक सूर्य नंबर सिक्सटी फाइव आयत नंबर फोर सूर्य बखरा की आयत नंबर दो सौ बाईस में आम हालात में हैज़ का मसला बताया गया है जबकि सुर तलाक में तलाक़ के जमन में हैस का ज़िक्र आया है इसी एतबार से अल्लाह सुबहान मुसलमान लड़का हो या लड़की या गैर मुसलमान लड़का हो या लड़की कुदरती तौर पर किसी भी लड़का या लड़की के लिए बालग होने के लिए प्यूबर्टी रीच करने के लिए जो एक बड़ी निशानी अल्लाह ने रखी है एक वाज निशानी अल्लाह ने रखी है वो है अहतलाम यानि वेड ड्रीम्स लेकिन अल्लाह की रहमत से अल्लाह ने लड़कियों के लिए हम औरतों के लिए एक और वाज निशानी बाली होने की हैज़ की शक्ल में रखी है मेडिकल साइंस के हिसाब से अगर पूछा जाए कि हैज क्या है तो मेडिकल डॉक्टर्स अपने तहकी इल्म की बुनियाद पर कहते हैं जब पूछा गया कि हैज क्या है तो इनका कहना यह है तहकी इल्म की बुनियाद पर कि अल्लाह ने जो औरतों को जो ओवरी दिया है ओवरी एक जिसम का रहम का एक हिस्सा है रहम से जुड़ा हुआ यूट्रस से जुड़ा हुआ एक हिस्सा है ओवरी में जो औरत के अंडे बनते हैं जैसे ही लड़की बालिग होने की उम्र को आ जाए बालिग हो जाए यानी शादी की उम्र को आ जाए शादी के लायक हो जाए जिसको हम कहते हैं तो फिर ऐसे औरत के जो ओवरी में जो अंडे बनते हैं और कुछ वक्त के बाद वो अंडे ज़ाय हो जाते हैं तो उन ज़ाय अंडों को जिसम से बाहर निकलना ज़रूरी हो जाता है अगर जिसम से बाहर वो ज़ाये अंडे नहीं निकलेंगे तो औरत की जान को ख़तरा होता है और ये जान का ख़तरा जिसम से पेशाब का बाहर नहीं निकलने के खतरे से ज्यादा बड़ा है और फिर ये जो ओवरी जिसका मैंने जिक्र किया इसको उर्दू में अंडाशी कहते हैं जो यूटरे से जुड़ा एक हिस्सा होता है अब जो बात अभी मैंने आप सबको बताई इसमें सुबहानल्ला आप देखिए कि अल्लाह सुबहान तैसा यह हज़ का निज़ाम रखा है कि एक मुसलमान औरत हो या गैर मुसलमान औरत जब कभी ये ज़ाय अंडे जिसम से बाहर निकलते हैं मेडिकल साइंस के हिसाब से ये खून में मिलकर जिस खून में मिलकर ये अंडे जिसम से बाहर बहते हैं उस खून को बदबूदार चिगट और गहरे लाल रंग का बना देते हैं और ये मेडिकल साइंस के मुताबिक हर लड़की या औरत को कम अज़ कम महीने में एक बार दो दिन से सात दिन तक ये खून बहता है बास औरतें या बाज़ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जिनको सात दिन से बढ़कर यह खून बहता है इस नुक्ते नज़र में अगर आप गौर करेंगे इस्लाम में जो हैज का जिक्र आया है जैसे कि मैंने कुरान का आपको सूर्य बकरा की आयत नंबर दो सौ बाईस का जिक्र किया अल्लाह ने कहा इसमें कि अल्लाह फरमाते हैं कि जब ये तुमसे हैज के बारे में सवाल करते हैं तो इनसे कहो कि ये गंदगी का खून है और इसी आयत में अल्लाह ने आगे फरमाया कि शादीशुदा मुसलमान मर्दों से कहा गया कि जब तुम्हारी बीवियां, जब तुम्हारी मुसलमान बीवियां हैज़ की हालत में हो तो तुम उनसे हम बिस्तरी उस वक्त तक ना करो जब तक कि वो हैज़ के या निफास के खून से पाक हो जाए ये एक बात बताई गई है इसके अलावा हमको ये भी जानना बड़ा अहम है कि ये जो हैज़ का मसला है इसमें कौन से ऐसे काम हैं जो एक मुसलमान औरत को नहीं करे चाहिए यही बुनियादी मालूम हमको फ़राहम होने ज़रूरी हैं इस्लामी नुक़ः नज़र से यानि क़ुरान और टीचिंग्स ऑफ मोहम्मद वल्लम कुरान और हदीस की रोशनी में तीन ऐसे बुनियादी काम हैं जो एक मुसलमान औरत हैज की हालत में नहीं कर सकती सबसे पहली चीज़ हैज की हालत में मुसलमान औरत फ़र्ज़ नफिल सुन्नत या वाजिब नमाजें नहीं पढ़ सकती रमज़ान के नफिल रमज़ान के जो रोज़े होते हैं या अलग से जो नफिल रोज़े हो सकते हैं वो भी नहीं रह सकती इसी तरीक़े से मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकती इसी तरीक़े से उम्र या हज में जो तमाम अरकान हैं उसकी जो इबादतें हैं उसमें तवाफ़ काबा नहीं कर सकती इसके अलावा मुसलमान औरत हैज़ की हालत में अगर वो ईदगाह जाना चाहे तो उसको इजाज़त दी गई है जिसका जिक्र आपको सही बुखारी जल नंबर एक हदीस नंबर तीन सौ चौबीस में मिल जाएगा ईदगाह जाने की हैज़ की हालत में इजाज़त है लेकिन अल्लाह के रसूल मोहम्मद वसम ने मना फरमाया है कि किज़ वाली औरत उस मुकाम पर ईदगाह में ना जाए जहां मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें नमाज पढ़ने खड़े होते हों। तो ये सबसे पहला एक नुक्ता मालूम हो गया हमको कि हैज की हालत में कौन से काम नहीं करने हैं दूसरा नुक्ता वो ये है कि हैज की हालत में मुसलमान औरत को चाहिए कि वो अपने शौहर से हम बिस्तरी ना करें क्यों इसका जिक्र हमको साफ सीधा कुरान में सूर्य बकरा की आयत नंबर दो में मिलता है यानी अपनी शर्मगाहों को अपने शौहरे से दूर रखना है लेकिन सही बुखारी की हदीस नंबर 302 आप पढ़ेंगे अल्लाह के रसूल मोहम्मद वसल्लम ने इजाज़त दी है मुसलमान शोहर और मुसलमान बीवी को कि वो कपड़ों के ऊपर से यानी ओवर द ड्रेस अपनी जो फिजिकल नीड है या बायोलॉजिकल नीड जिसको आप कहते हैं फितरी तकाज़े को कपड़ों के ऊपर से पूरा कर सकते हैं तो ये हो गया दूसरा काम जो हम हेज़ की हालत में हमको नहीं करना है तीसरा काम है किज़ की हालत में मुसलमान लड़की या मुसलमान औरतुर मजीद को हाथ लगाना कुरान को खोल कर उसके में से तिलावत करना ये काम मुसलमान औरत हज़ की हालत में नहीं कर सकती उलेमा मोतबर उलेमा ने तो यहाँ तक कहा है कि मोबाइल एप्लीकेशन पर जो कुरान मजीद की तिलावत हम करते हैंज़ वाली औरत को चाहिए कि वो भी ना करें क्यों क्योंकि अल्लाह का मकसद इस कुरान की तिलावत का यानी इस कुरान का मकसद जो पाक कुरान है इस कलाम जो पाक कलाम है अल्लाह का जब औरत हैस की हालत में हम देखते हैं कि वे वजू से नहीं होती तहारत से नहीं होती तो अल्लाह ने उस हालत में भी औरत को अल्लाह के कलाम की तिलावत की भी जहमत नहीं दी माशाल्लाह। तो हैज़ की हालत में तिलावत कुरान भी हमको नहीं करनी चाहिए लेकिन ने यह इजाज़त दी है कि जितना कुरान आपको हिफ्स है जो आपको याद है उसे आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो उठते बैठते जो आप दुआएं करते हैं दुआओं की शक्ल में या अजगार की शक्ल में वो कुरान के हिस्सों की आप तिलावत कर सकते हैं ये तीन चीज़ें हो गई हैज़ की हालत में कौन से काम नहीं करने वाले इसके अलावा देखते हैं अब कि निफास क्या है निफास उर्दू ज़ुबान में जो हम आम तौर पर कहते हैं बच्चा पैदा होने के बाद बच्चा या बच्ची जब औरत किसी को जन्म देती है उसके बाद जो खून बहता है उसको निफास कहा जाता है जजगी के बाद वाले खून को क्या कहा जाता है निफास कहा जाता है अंग्रेजी में इसको आमतौर पर पोस्टपार्टम ब्लीडिंग कहते हैं और जिस तरह पीरियड्स या या माहवारी या जिसको आप कहते हैं ये दो से सात दिन या सात दिन से बढ़कर किसी ना किसी को हो सकता है निफास के लिए कहा जाता है साइंटिफिकली कि इसकी मैक्सिमम टाइम पीरियड चालीस दिन है इसीलिए आप देखते हैं जब कभी हमारे रिश्तेदारों में या ख़ुद हमारे यहाँ जब किसी की डिलीवरी होती है तो 40 दिन की इद्दत कहा जाता है 40 दिन ये नापाकी वाले दिन कहे जाते हैं लेकिन आपको जानकर ताजुब होगा कि कई ला इल्म हमारी बहनें इस चीज़ को नहीं समझ रही हैं कि 40 दिन मैक्सिमम टाइम पीरियड है ज़्यादा से ज़्यादा वाले दिन हैं लेकिन 40 दिन के अंदर अगर हमारी कोई मुसलमान बहन कोई मुसलमान औरत पाकी इख्तियार कर लेती है उसको खून बहना रुक जाता है तो उसको गुसल लेकर नमाज़ें पढ़नी होगी और रमज़ान के रोज़े रहने होंगे तो ये मैक्सिमम टाइम पीरियड निफास का है निफ़ास का खून भी हैज़ के खून की तरह ही गंदा होता है और ये बच्चा पैदा होने के बाद ही होता है और फिर निफास के लिए भी वही अहकाम है जो हैज़ के लिए आए हैं यानी कौन से काम हैज़ में नहीं करने चाहिए निफास की हालत में भी वो काम नहीं करने चाहिए यानी नमाजें नहीं पढ़ सकते रोज़े नहीं रह सकते तवाफ़ काबा नहीं कर सकते कुरान की तिलावत नहीं कर सकते शोहर से हम बिस्तरी नहीं कर सकते तो ये क्या हो गया हैज़ और निफास तीसरी शक्ल है जो हमको समझनी है आज पहले मसले में वो है इस्तेहाजा इस्तेहाजा कहते हैं एक्सेसिव ब्लीडिंग को या इरेगुलर ब्लीडिंग को और ये किसको कहते हैं ज़्यादा या इजाफा वाला ख़ून अगर किसी औरत को हज़ के जो ज्यादा से ज़्यादा दिन हो सकते हैं या निफ़ास के जो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम दिन हो सकते हैं इसके बाद भी अगर खून बहता रहे और ये खून इतने दिन मुकम्मल होने के बाद भी बह रहा है तो इसको इस्तिहाज़ा कहते हैं और ख़ास बात यह है कि इसतहाज़ा का खून गंदा नहीं होता यानि हज़ या नफाज की तरह बदबूदार चिगट या गहरे लाल रंग का नहीं होता बल्कि आम रख के खून की तरह होता है तो ये एक चीज़ समझना चाहिए इसका मतलब ये हुआ कि कुरान और हदीस की रोशनी में इस की हालत में अगर कोई मुसलमान हमारी बहन है कोई मुसलमान औरत है तो उसको नमाजों और रोज़ों की कोई छूट नहीं है इसतहाज़ा की हालत में उसको फ़र्ज़ नमाजें भी पढ़नी है रमज़ान के रोज़े भी रखना है कुरान की तिलावत से कोई ममानियत नहीं यहाँ तक के वो शोहर से हम बिस्तरी भी कर सकती है लेकिन एक चीज़ ये भी आपको वाजे कर दूँ कि अगर इसतिहाज़ा की हालत में आप देख रहे हैं कि आपको ये एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है लेकिन वो खून बहते बहते उसके अंदर अगर चिगड़पन आ जाए बदबू आना शुरू हो जाए या नहीं तो गहरे लाल रंग का हो जाए तो समझ जाइए यह हैज़ का खून है तो फिर अब आप नमाजें व उस वक्त नहीं पढ़ सकते तो अगर हमारी कोई मुसलमान बहन इस हालत से गुज़र रही है तो हम उनसे गुजारिश करेंगे और मैं आप सबसे भी गुजारिश करूंगी कि ऐसे हालात में जरी देर किए बग़ैर फ़ौर आप किसी दिन मोतबर आलिम दिन से रुजू होइए और अपने मसले का हल निकालिए क्यों क्योंकि आप सोचिए अगर खून इसतिहाज़ा का है और आपने इसको हैज़ या नफास् का समझा और आपने नमाज़ें छोड़ दी तो फिर जहन्नम का आजाब है और अगर खून इस का नहीं है, हैज़ या निफ़ास का है और आप वज़ू बनाती रहें नमाज़ें पढ़ती रहें कुरान की तिलावत करती रहीं शोहर से हम बिस्तरी करती रहीं तब भी बहुत बड़ा गुनाह है तो लिहाजा मोतबर आलम दिन या मोतबर आलिमा से इस मसले पर आप फौरी रुजू हो जाइए तो ये क्या हो गया हैज, निफास और इसहाज़ा के बारे में हमने अभी माशाल्लाह बुनियादी तौर पर मालूम फराहम की चौथी चीज़ है तहारत के मसाइल तहारत जो लफ्ज़ है इसका बुनियादी जो मादा बुनियादी रूट वर्ड जो है वो तुहर से है तो दो चश्मे हा और रा और ये लफ्ज़ क़ुरान मजीद में जो औरतों से मुतक़ इस्तेमाल हुआ है ये वही हैज़ का जिक्र जिस आयत में है बकरा सूर्य नंबर दो आयत नंबर दो सौ बाईस में जो आयत है इस आयत के अख्ताम पर अल्लाह ने इस्तेमाल किया है और अल्लाह ने क्या फरमाया इन तवाबीन व वब्बुल मुतरीन अल्लाह बेशक बार बार तोबा करने वालों से मोहब्बत करता है और अल्लाह अपने आप को नापाकी से पाक करने वालों से मोहब्बत करता है ये एक चीज़ हमको समझनी चाहिए अब तहारत का जो मसला है इस्लाम में मुसलमान औरत को तहारत की ज़रूरत कब पड़ जाती है या ये पहले जो चंद वजूहत है वो जान लेते हैं कोई भी मुसलमान औरत अगर हवा खारिज कर दें जिसको हम फारटिंग कहते हैं तब तहारत की ज़रूरत पड़ती है पेशाब या पाखाना के बाद तहारत की ज़रूरत पड़ती है इसी तरीक़े से हैज़ या निफास के खून के मुकम्मल रुक जाने के बाद तहारत की ज़रूरत पड़ती है इसी तरीक़े से शौहर से हम बिस्तरी करने के बाद तहारत की ज़रूरत पड़ती है और इसी एतबार से अगर किसी और वजह से यानी आम तौर पर जो एहतलाम जिसको कहते हैं पांचवी है एहतलाम या वेट ड्रीम जिसको कहते हैं सेक्सुअल डिस्चार्ज विथ प्लेजर अगर हो जाए तब भी आपको तहारत की ज़रूरत पड़ती है और छठी चीज़ किसी और वजह से अगर सेक्सुअल डिस्चार्ज हो जाए तब भी आपको तहारत की ज़रूरत है ये छः चीज़ें हमको बुनियादी याद रखनी चाहिए अब ये छः चीज़ों में तहारत तो हमको लेनी है लेकिन उसका तरीक़ा क्या है तो ये जान लीजिए कि तहारत की तीन शक्लें हैं तीन उसके लेवल्स आप उसको बोलिए या तीन उसकी शकलें हैं तहारत की सबसे पहली शक्ल है कि जब आप पेशाब करने के बाद पेशाब की जगह को सिर्फ अपने बाएं हाथ से लेफ्ट हैंड से आप पानी के जरिए उस जगह को मुकम्मल साफ कर देंगे यहाँ तक के पेशाब के खतरों की भी कोई निशानी ना रहे और फिर इसी तरीके से पाखाना की जगह को भी करने के बाद उसकी जगह को भी मुकम्मल सिर्फ बाएं हाथ से राइट हैंड इस्तेमाल नहीं करेंगे दाया हाथ बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे सिर्फ़ बाएं हाथ से उस जगह को मुकम्मल साफ़ कर देंगे यहाँ तक कि वहाँ कोई गंदगी की निशानी भी मौजूद ना हो तो ये तहारत की पहली शक्ल हो गई क्या मुकम्मल अपनी शर्मगाह को मुकम्मल साफ़ कर रहे हैं इस्लामी नुक़ नज़र से अगर पानी मैसर ना हो यानी पानी अवेलेबल ना हो तो इस हालत में जिसको आमतौर पर हम इस्तंजा कहते हैं यानी ईंट के ढेलों से आप पेशाब या पाखाना की जगह को मुकम्मल साफ कर देंगे यहाँ तक के बिल्कुल कोई गंदगी की निशानी ना रहे और वो मुकम्मल जगह सूखी रहे ईंट के ढेले जिसको पीसेस ऑफ ब्रिक कहते हैं या टिश्यू पेपर के जरिए या किसी भी चीज़ के जरिए मुकम्मल उस जगह को आप पाक साफ कर लेंगे तो ये क्या हो गई तहारत की पहली शक्ल तहारत की दूसरी शक्ल को अक्सर इक्राम क्योंकि इसका जिक्र कुरान मजीद में सूर्य माहा की आयत नंबर छः में आया है इस आयत में क्योंकि तहारत की दूसरी शकल का जिक्र आया है जिसको आम तौर पर आप और मैं इस्लामी तलीमत के मालूम रखते हुए हम इसको वज़ू कहते हैं और वज़ू को क्योंकि कुरान की सूर्य आयदा की आयत नंबर छः में वज़ू के लिए लफ्ज़ गसल का इस्तेमाल हुआ है तो मा इकराम ने वज़ू को छोटा गसल कहा है और ये जो वज़ू का ज़िक्र कुरानी मजीद में आया है इसका जिक्र आप देखेंगे सरामाइदा कि आयत नंबर छः में जो आया है वज़ू की ज़रूरत कब पड़ती है हमको तहारत की पहली शक्ल मुकम्मल करने के बाद वज़ू यानी तहारत की दूसरी शक्ल हम मुकम्मल करेंगे और याद रखिए मेरी बहनों तहारत की पहली शक्ल ही अगर मुकम्मल ना हुई हो यानी उसमें कोई कोताही हो गई हो या उसमें कोई कमी रह गई हो तो फिर अब तहारत की दूसरी शक्ल नहीं कर सकते उस पर अमल नहीं कर सकते दूसरी शक्ल पर अमल नहीं किया तो हमारी कोई नमाज़ कबूल नहीं होगी और हम जहन्नमी गुनहगार बेनमाज़ी कहलाएंगे नवूजिल्ला तो ये जानना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है पहली शक्ल को मुकम्मल तरीक़े से हम अमल में लाएंगे दूसरी शक्ल यानी वज़ू अब वज़ू का तरीक़ा क्या है हम सब जानते हैं कि हम बिसमिल्ला कहकर वज़ू की शुरुआत करेंगे सीधे हाथ में पानी लेकर बाएं हाथ को उसके ऊपर डालकर पानी से पूरा हाथ को धोएंगे फिर वैसे ही दाएं हाथ को यानी राइट हैंड को भी धोएंगे कितनी मर्तबा करेंगे तीन मर्तबा करेंगे एक मर्तबा फ़र्ज़ है तीन मर्तबा अल्लाह के रसूल मोहम्मद रसूल की सुन्नत है बिस्मिल्लाह कहेंगे हाथों को आप धो लेंगे फिर सीधे हाथ से पानी लेकर तीन मर्तबा आप कुल्ली करेंगे बेहतर यह होगा कि आप गरारा कर लें और उंगली अगर आप मुंह में डालकर दांत को भी साफ़ कर लें तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा नाक में पानी आप सीधे हाथ से डालकर बाएं हाथ की कोई उंगली से अपनी पुड़ियों को साफ करेंगे यानी नोस्टिल्स को साफ करेंगे और अल्लाह के रसूल मोहम्मद वसल्लम ने सही मुस्लिम की हदीस में खास हुक्म दिया है कि तुम फजर की नमाज को जब वजू बनाओ तो अपनी नकपुरी में पानी खूब अच्छे से डालकर साफ करना क्योंकि शैतान तुम्हारी नगपुरीियों में अपनी रात गुजारता है तो अच्छे से हमको नगपुरी को भी साफ करना है तीन मरतबा फिर चेहरे को आप मुकम्मल तौर पर यानी पेशानी की शुरुआत से लेकर या ठुड्डी तक यानी चिन्ह तक और दोनों कान की लोलियों के बीच में पूरे मुकम्मल आपके चेहरे को आप तीन मरतबा धो लेंगे उसके बाद पानी लेकर सीधे हाथ पर हम तीन मरतबा कोनी तक मुकम्मल तीन मरतबा इसको धो लेंगे फिर वैसे ही बाएं हाथ को तीन मरतबा धो लेंगे फिर क्या करेंगे मसाह करेंगे पानी पूरा हाथ में लेकर खूब हाथ में लेकर उसको छोड़ेंगे अपनी आखिरी तीन उंगलियों को आप अपनी पेशानी के ऊपर से लेकर पूरा पीछे तक लेकर जहां बाल आपके ख़त्म होते हैं फिर वापस सामने आकर फिर आप अपने कानों को साफ कर लेंगे फोर फिंगर को आप अंदर डालेंगे कान के अंदर और पीछे का कान ऐसे साफ कर लेंगे यह मसा हो गया उसके बाद पैर धो लेंगे सीधा पैर तीन बार बाया पैर तीन बार और उसकी मसनून दुआ फिर वजू की पढ़ लेंगे ये वज़ू का तरीका हो गया तहारत की दूसरी शक्ल अब ऐसे हालात में अगर पानी मैसर ना हो तो यही आयत में सूर्य माहा की आयत नंबर छः में अल्लाह अल्लाबहान तला ने हमको तयम का हुक्म भी दिया है माशा तयम का हुक्म क्या है कि आपको अगर कहीं साफ मिट्टी मिल जाए साफ़ मिट्टी आपको मिल जाए आप उसमें हाथ मारेंगे थोड़ा सा उसको झटक लेंगे बिसमिल्ला कहकर सीधे हाथ को यानी दाएं हाथ से बाएं हाथ को ऐसे मल लेंगे फिर वैसे ही दाएं हाथ को आप साफ करेंगे यानी थोड़ा सा ऐसे मल लेंगे एक मरतबा ही करेंगे फिर वही हाथ से आप अपने चेहरे को ऊपर थोड़ा सा फेर लेंगे आपका माशाल्लाह तयम हो गया तो ये तहारत की दूसरी शक्ल में हमने क्या सीखा वज़ू कैसे करना है और तयम कैसे करना है तो ये दूसरी शक्ल हो गई तहारत की तीसरी शक्ल को गसल कहा जाता है और गसल इकराम तहारत की दूसरी शक्ल से अलीहदा करने के लिए क्योंकि दूसरी शक्ल को वज़ू और छोटा गसल भी कहा गया है इसको सिर्फ गसल भी कहा जाता है बड़ा गसल भी कहा जाता है बड़ा वज़ू भी कहा जाता है क्यों क्योंकि इसमें यानी गुसल में पूरे जो वज़ू के जो अरकान हैं वो भी आए हैं और ज़्यादा अरकान आए हैं तो तीसरी शक्ल तहारत की है वो क्या है गसल पहले जान लेते हैं कि गसल की ज़रूरत कब पड़ती है गसल की ज़रूरत पड़ती है मुसलमान औरत के लिए जब वो हैज़ और निफास के खून से मुकम्मल पाक हो जाए इसी तरीक़े से शोहर से हम बिस्तरी के बाद भी शोहर की हम बस्तरी में ख़ास जो अदिस में अल्फाज अदीस के माने हमको मिलते हैं वो ये है कि अगर मियाँ और बीवी की शर्मगाहें आपस को छू लें या दुखूल हो जाए सेक्चुअल डिस्चार्ज विद प्लेजर हो जाए तब भी आपको गसल लेना है अहतलाम के बाद भी यानी वेड ड्रीम्स के बाद भी आपको गुसल लेना है ये फर्ज है हमारे ऊपर अब गुसल का तरीक़ा क्या है देखिए गसल के तरीक़े में वही बिसमिल्ला आप बोलकर आप सबसे पहले नाफ से लेकर यानी नेवल जिसको आप कहते हैं नेवल से लेकर नीचे तलवे तक आपके पैर के तलवे तक पूरे इस हिस्से को मुकम्मल पानी से अच्छे से साफ कर देंगे यहां तक के खास तौर पर अपनी शर्मगाहों को अच्छे से धोएंगे ये देख लेंगे कि कहीं निफास या यास का कुछ खून के कुछ असरात बाकी ना रहे या मनी कहीं भी ना रहे तो इसको आप अच्छे से साफ कर लें तो वजू में आप जिस तरह वजू बनाते हैं पहले बिस्मिल्लाह कहेंगे लेकिन पहले इस हिस्से को मुकम्मल धो लेंगे नाफ के नीचे के हिस्से को मुकम्मल धो लेंगे उसके बाद अब आप वजू जिस तरह नमाज में बनाते हैं वैसे वजू बना लेंगे पैर अभी नहीं धोएंगे सही बुखारी के अब हदीस पढ़ेंगे तो क्या पता चलता है गुसल जब अल्लाह के रसूल मोहम्मद लेते तो अपने इस हिस्से को मुकम्मल धोने के बाद हमको हुक्म दिया कि आप वज़ू बनाना मुकम्मल शुरू कर दीजिए और फिर मसा अल्लाह के रसूल मोहम्मद तीन मरतबा अपने सर के बालों में जड़ों में पानी को मलते और उसके बाद फिर सीधी जानब बालों पर तीन मरतबा पानी डालते बाई जानब बालों पर तीन मरतबा पानी डालते इसी तरीके से जिसम पर मोंढ़े से यानी शोल्डर से सीधी जानब तीन मरतबा पानी डालते कि तीन मरतबा राइट साइड ऑफ द बॉडी यानी सीधे हाथ का पूरा जिसम मुकम्मल भीग जाए फिर बाई तरफ तीन मरतबा आपको डालना है फिर उस जगह से हट कर अल्लाह के रसूल मोहम्मद ने हुक्म दिया कि तीन मरतबा दाया पैर और फिर बाया पैर जैसा वजू में ढोते हैं उसको धो लें तो ये गसल हो गया तो गसल की अहमियत मैंने बता दी कि कब गसल करना है और गसल क्या है माशा यही पता चल गया लेकिन आप सबसे ये भी मैं नसीहत या गुज़ारिश ये भी करूँगी जो आप और मुझे हम सबको इन शाला फ़ॉलो करना है वो ये है कि अगरचे हमको कई बार गसल की ज़रूरत ना भी पड़े वज़ू करने की भी ज़रूरत हो सकता है हमको कई बार ना पड़े नमाज़ों के औकात के अलावा भी अगर हम अगर बैतलखला जाते हैं अपने आप को तहारत की पहली शक्ल से मुकम्मल साफ़ कर लेते हैं तब भी अगर आप वज़ू बना लेंगे तो अल्लाह के रसूल मोहम्मद ने क्या फरमाया जितने आजा आपके वजू में भीगते हैं उनके गुनाह माफ हो जाएंगे तो ये एक माशाल्लाह तहारत की तीसरी शक्ल है वो है पहली शक्ल है आम तहारत यानी पेशाब पाखाना के बाद जो आपको सफाई करनी है दूसरा है नमाज के लिए जो है जो आपको वजू बनाना है तीसरा है बड़ी तहारत जिसको गसल कहते हैं तो ये हो गया औरतों के पांच मसलों में का पहला मसला हैज निफास नफास और तहारत के मसाइल आइए देखते हैं दूसरा मसला मेरी आज की तकरीर का वो है नमाज के मसाइल जब आप सही बुखारी पढ़ते हैं जिल नंबर एक हदीस नंबर आठ अल्लाह के रसूल मोहम्मद वसल्लम ने बताया कि इस्लाम की पांच बुनियादों में जो सबसे पहली बुनियाद शहादा है यानि कलीम शहादा है यानि कलीम शहादा पर ईमान लाना उस पर यकीन रखना और उसकी दावत दूसरों को देना इसके बाद इस्लाम की दूसरी अहम बुनियाद को अल्लाह ने नमाज़ क़रार दिया है और एक बात इलमी तौर पर यह भी आप सबको बता दूँ कि दरअसल सलात जो अरबी लफ्ज है नमाज जो आम तौर पर हम कहते हैं सलात का एक्चुअल तर्जुमा यानी उसका जो असल तर्जुमा नमाज हो ही नहीं सकता क्यों क्योंकि नमाज एक फ़ारसी लफ्ज़ है और बाज़ लोगों ने इसको सलात के लिए बहुत आम कर दिया है जबकि वो उसका तर्जुमा है ही नहीं तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि इस्लामी जो अलाह है यानी इस्लामिक टर्मिनोलॉजी है उसको हम इस्तेमाल करें ना कि फ़ारसी या किसी और ज़ुबान के अल्फाज इस्तेमाल करें तो आइए देखते हैं ये सलाद के बारे में औरतों को क्या जानकारी होनी ज़रूरी है सलाद के तलुक़ से अल्लाह के रसूल मोहम्मद वसलम ने अबू दाऊद जल नंबर एक हदीस नंबर चार सौ पचनवे में फरमाया कि जब तुम्हारी औलाद सात साल की हो जाए सेवन ईयर्स की हो जाए तो उन्हें तुम तंबी करो कि वो पाँच वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ें अच्छे से उनको बताओ हुक्म दो कि तुम नमाजें पढ़ो और अगर वो दस साल के हो जाएं और नमाज पढ़ने में कोई कोताही करें तो उन्हें हल्के से सजा दो क्योंकि नमाज में कोताही कर रहे हैं इसे क्या पता चलता है एक हदीस से कि नमाज को उसके पांच वक्त पर दिन में जो पांच वक्त की हमारी नमाज है फ़जर जोहर असर मगरिब, इशा ये पूरी पांच नमाज़ों को उसके तय शुदा वक्त पर पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है इसी तरीक़े से अल्लाह ने नेुरान मजीद में सूर्य रूम सूर्य नंबर तीस की आयत नंबर इक्कीस में फरमाया अल्लाह फरमाते हैं तो पलटो अल्लाह की तरफ व और डरो सिर्फ़ अल्लाह से वाकईम्सलाह और सलात यानि नमाज क़ायम करो और मशरकों में से मत हो जाओ अल्लाह अकबर आप सोचिए अल्लाह सुबहान तला बेनमाजी मुसलमान मर्दों और बेनमाजी मुसलमान औरतों को मशरकों में शुमार कर रहे हैं इसके अलावा अल्लाह के रसूल मोहम्मद ने यह तक हमको इजाज़त दी है कि आप जब नमाज ठहर कर नहीं पढ़ सकते तो बैठ कर पढ़ लें बैठ कर नहीं पढ़ सकते तो लेट कर पढ़ लें और एक अहम बात इसतिहाजा के जमन में आपको एक और बता दूं इसतिहाज़ा क्या था आप जानते हैं एक्सेसिव ब्लीडिंग अगर हो जाए जिसमें आपको नमाज पढ़नी ही पढ़नी है रोजे रखना ही रखना है एक उम्मातुलमुमिन में से एक उमालमुमिन का एक वाकया आता है सही बुखारी की हदीस नंबर दो हज़ार सैंतीस में क्या के रसूल मोहम्मद सतम की एक बीवी है जो इसिहाजा की हालत में होती और इस्तिहाजा का खून जब गिरता तो नीचे बर्तन रख दिया जाता नमाज के दौरान लेकिन वो फिर भी नमाज को नहीं छोड़ती तो ये एक हमको समझ में आती है बात कि कितनी अहम हमारे लिए नमाज़ है तो आइए देखते हैं कि औरतों को नमाज के ताल्लुक से कौन से बुनियादी मसले मालूम करने ज़रूरी है सबसे पहली चीज़ अल्लाह के रसूल मोहम्मद वसल्लम ने सही बुखारी जिल नंबर एक हदीस नंबर छः सौ में फरमाया वालीम नंबर वन हदीस नंबर सिक्स हंड्रेड एंड थर्टी वन में फ़रमाया कि सल्लु मुनी सली नमाज उस तरह पढ़ो सलाद उस तरह पढ़ो जिस तरह तुम मुझे पढ़ता देखते हो तो सबसे बड़ी गलत फहमी हमारी कई मुसलमान बहनों की यहाँ दूर हो जाएगी कि मुसलमान मर्द की नमाज अलग है मुसलमान औरत की नमाज अलग है कोई भी कुरान की आयत कोई भी हदीस में हमको इसकी कोई दलील नहीं मिलती सब की नमाज एक है वो अल्लाह के रसूल मोहम्मद की नमाज है दूसरी अहम बात नमाज से मुतल ये है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद आसलम ने हमको सही बुखारी जिल नंबर एक हदीस नंबर आठ वॉल्यूम नंबर वन हदीस नंबर एट में बताया कि अगर मुसलमान मर्द कार से कहा है यानी सगा बाप है सगा भाई है या शौहर है कार जो होते हैं वली जो होते हैं हमारे उनसे कहा है कि अगर तुम्हारे तहत जो औरतें हैं तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी बेटियाँ तुम्हारी माएँ ये अगर मस्जिद को जाकर नमाज पढ़ना चाहें तो उन्हें ना रोको यहां तक के सही बुखारी की जिल नंबर एक हदीस नंबर आठ में आया है कि मोहम्मद ने फरमाया कि अगर तुम्हारी औरतें रात के वक्त को भी नमाज पढ़ने जाना चाहे मस्जिद को तो उन्हें ना रोको इन तमाम बातों का अगर हम निचोड़ देख लें इसका एक जुज मालूम कर लें तो यही होगा कि इस्लाम में मुसलमान औरत को मस्जिद जाकर नमाज पढ़ने से नहीं रोका लेकिन इसके साथ साथ मुसलमान औरत के लिए जब जमात से ही नमाज पढ़ना फ़र्ज़ नहीं है तो मस्जिद को जाकर नमाज़ पढ़ना भी फ़र्ज़ नहीं है इसकी एक मिसाल अगर मैं आप सबको दे दूँ हुकूमत ने ऐलान किया कि तमाम मर्द हजरात एग्ज़ाम सेंटर आकर एग्ज़ाम लिखेंगे और जितनी औरतें हैं वो अपने घरों में एग्ज़ाम लिखें दोनों का वैसे ही करेक्शन होगा कोई उसमें ना इंसाफ़ी नहीं होगी औरतें अगर एग्ज़ाम सेंटर को भी आकर एग्ज़ाम लिखना चाहती हैं तो भी लिख सकती हैं लेकिन जितने मार्क्स या जैसा करेक्शन मर्दों का होगा औरतों का भी अगर जिके वो घर बैठे लिखती हैं उनका वैसे ही होगा तो आप बताइए कोई भी अखलमंद औरत घर पर सुकून से बैठकर एग्जाम लिखेगी क्यों उसका टाइम बच जाएगा एनर्जी बच जाएगी और वैसे ही इंसाफ से करेक्शन और मार्क्स मिलेंगे जैसे कि को कोई मर्द एग्जाम सेंटर जाकर एग्जाम लिखता हो तो वैसे ही इस्लाम में मुसलमान औरत को मस्जिद जाकर नमाज पढ़ना उसके लिए जायज है उसको नहीं रोका गया लेकिन अबू दाऊद की एक हदीस है जिल नंबर एक हदीस नंबर पाँच वॉल्यूम नंबर वन हदीस नंबर फाइव सिक्सटी सेवन अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल ने फरमाया कि औरतों के लिए सबसे बेहतरीन जगह नमाज की उसका घर है एक और रिवायत में आता है कि घर में भी घर का कोना है तो अगर कोई मुसलमान औरत घर में नमाज पढ़ती है वो मुसलमान मर्द जो मस्जिद जाकर नमाज पढ़ता है उतना ही उसको अजर मिलेगा मुसलमान औरत को जो वो अपने घर में नमाज़ पढ़ती है तो ये एक चीज़ हमको वादे होनी ज़रूरी थी इसके अलावा मुसलमान औरत के तल्ल से अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लम की प्यारी बीवी हम सब की प्यारी माँ उमलमिन आयशा रज़ी अल्लाह तहा ने फ़रमाया जिसका जिक्र तिरमीज़ी शरीफ हदीस रमन सेवन एटी सेवन है अल्लाह के रसूल मोहम्मद की प्यारी बीवी आयशा रजी अल्लाह ने फ़रमाया कि हमको अल्लाह के रसूल मोहम्मद वसल्लम ने हैज़ की हालत में रोज़े छूटते हैं तो रोज़े रखने का हुक्म दिया यानी खजा रोज़े रहना है लेकिन जो हैज़ की हालत में नमाज़ें छूटती हैं उनको रहने का हुक्म नहीं दिया तो ये भी हमको जानना ज़रूरी है इस एतबार से एक दो और बातें वाज तौर पर औरतों की जमात से पढ़ने के तलुक़ से बता दूँ वो ये है कि अगर मुसलमान औरत मस्जिद जाकर जमात से नमाज पढ़ना भी चाहे तो अल्लाह के रसूल मोहम्मद महमदा ने फरमाया कि मुसलमान मर्दों के लिए सबसे प्यारी जमात में सबसे प्यारी सफ़ यानी रोज़ जो होते हैं जमात के सबसे सामने वाली जो सफ़ है वो बेहतरीन है मर्द के लिए औरत के लिए सबसे पीछे वाली सबसे पीछे वाली जो रो होती है सबसे पीछे वाली जो सफ़ होती है वो सबसे बेहतर है इसी एतबार से अगर कोई मुसलमान औरत मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाए या कहीं और उसका शौहर उसको नमाज पढ़ाए या बड़ा भाई या कोई और नमाज पढ़ाए घर में या कहीं और जमात से नमाज पढ़ाए और अगर इमाम से गलती हो जाए दिलावत में हो गए या कोई अराकिन में गलती हो जाए तो मर्दों को जिस तरह हुक्म है कि वो गलती पर आगाह करने के लिए सुबहानल्ला कहेंगे औरत के लिए ताली बजाना है ये एक चीज भी हमको मालूम होना जरूरी थी इसके अलावा अल्लाह के रसूल मोहम्मद ने हम मुसलमान औरतों को ये भी इजाजत दी है कि अगर वो बाजमात खुद यानी पूरी औरतें बाजमात नमाज पढ़ना चाहती हैं वो पढ़ सकती हैं एक उसमें जो अलग चीज़ होगी वो यही होगी कि जिस तरह मुसलमान मर्द जब नमाज़ पढ़ते हैं इमामत करते हैं मर्द सामने ठहरता है जो इमामत करते हैं इमाम जो होते हैं पीछे पूरे मुसल्ली होते हैं लेकिन मुसलमान औरत जब इमामत करेगी वो जुदा नहीं खड़ी होगी वो बीचों बीच खड़ी होगी उसके दाएँ और बाएँ जानब तमाम औरतें कंधे से कंधा पैर से पैर मिलाकर नमाज़ पढ़ेंगे तो ये नमाज के तल्ल से बुनियादी बातें हमको मालूम होनी ज़रूरी थी जो तीसरा मसला था

उनके सामने नहीं आ सकती जिससे वो ज़िंदगी में कभी भी निकाह कर सकती हैं गैर महरम का मतलब ये वही हुआ कि जिंदगी के किसी भी मोड़ पर जब आप किसी से निकाह कर सकते हैं उनके सामने मुकम्मल सर से लेकर पाँव तक ढाक लेना फ़र्ज़ है हम पर और इसके साथ साथ कुरान हदीस की रोशनी में यह भी तालीम हमको मिलती है कि कोई भी मुसलमान औरत बालग होने के बाद आफ्टर रीचिंग प्यूबर्टी वो अपने जिस्म का कोई भी हिस्सा यहाँ तक कि अगर उसकी सगी माँ भी होगी कपड़े उतारते वक्त या बग़ैर कपड़ों के अपनी सगी माँ को तक नहीं दिखाएगी सगी बहनों को तक नहीं दिखाएगी सिवाय चेहरे के हाथों के और पाओ के बाकी का जिसम का हिस्सा वो सिर्फ अपने शौहर को दिखा सकती है तो ये दे बुनिया, दो बुनियादी बातें हमको मालूम होने ज़रूरी थी अब आप देखिए मुसलमान और औरत पर अल्लाह ने हुक्म लगाया है कि जब वो अपने घरों से बाहर निकलें यानी जब कभी गैर महरूमों के बीच में वो जाएं या घर में भी अगर वो रहती हैं तो अपने सीनों पर चादरें डाल दें सीनों पर ओंढनिया ओढ़ लें और अपनी जीनत को जान बूझ कर ना दिखाएं और अपनी जीनत को वो किसके सामने दिखा सकती हैं अल्लाह ने एक फ़हरिस्त उसमें बताई है सगे बाप को दिखा सकती है सगे भाई को दिखा सकती है सगे मामू को दिखा सकती है सगे चाचा को अपनी जीत दिखा सकती है जैसे आम तौर पर हम जीत इख्तियार करते हैं किसको नहीं दिखा सकते सगे खालू को ज़ीनत नहीं दिखा सकते बग़ैर हिजाब के नहीं आ सकते इसी तरीके से सगे फूफा को नहीं दिखा सकते इसी तरीके से सगे बहनोई को भी नहीं दिखा सकते सूर नूर के जिमन में जमन में हमको ये समझ में आता है इसके अलावा जब औरतें घर से बाहर ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए जब बाहर जाती हैं तो अब अल्लाह ने सूर एज़ाब की आयत नंबर उनसाठ में हुक्म दिया कि जब तुम अपने घरों से बाहर निकलो और गैर महरम मर्दों से अगर तुम्हारा आमना सामना हो तो अपने आप को जिलबाब जैसे कपड़े से मुकम्मल सर से लेकर पांव तक ढांक लो कैसे कपड़े से जिलबाब जैसे कपड़े से और जिलबाब जैसा कपड़ा कैसा होता है मोटा कपड़ा होता है या नहीं तो कम से कम ऐसा हो कि आपका जिसम मुकम्मल उससे ढक जाए और अगर उस पर रोशनी भी पड़े तो आपके अंदर का लिबास नजर ना आए और ना ही आपका जिसम का को कोई हिस्सा नजर आए जो इंशाल्लाह मैं अपने आप को दिखाकर या मेरी जितनी बहनें यहाँ मेरी तरह बुरखा पहनी हैं यहाँ ऑडियंस में दिखा कर बता सकती हूँ कि इन हम लोग सूरह एज़ाब की आयत नंबर उनसाठ के ज़िमन में इन हिजाब कर रही हैं तो ये हिजाब दो आयतों के ज़िम्मन में माशा हमने समझ लिया इसमें एक मज़े की बात आपको बता दूँ या इसको एक दिलचस्प बात आपको बता दूँ वो ये है कि इस्लाम में मर्द के लिए हम उसका ऑपोजिट क्या लेते हैं औरत जबकि इस्लामी एतबार से मर्द का जो जोड़ेदार फीमेल है वो दरअसल औरत नहीं है क्यों क्योंकि औरत का बुनियादी माना है कोई ऐसी चीज़ जिसको छुपा कर रखा गया तो इस्लाम ने औरत की इतनी इज्जत की है इतनी इज्जत दी है कि उसको मुकम्मल गैर महरम मर्दों की नीयतों से छुपा कर रखा भेड़ियों की शक्ल में जो चंद मर्द होते हैं जो अपनी हवस का शिकार औरतों को बनाने की कोशिश करते हैं उससे अल्लाह ने औरत को महफूज कर दिया इसीलिए हमको औरत कहा गया है माशाल्लाह इसी एतबार से हिजाब के ज़िम्मन में दूसरी अहम बातें भी आप सबको ये बता दूँ कि जैसे कि अल्लाह ने सूर एज़ाब की आयत नंबर उनसाठ ये आयत को आप ज़रूर इनशा घर जाकर एक बार खोल कर पढ़िए अल्लाह ने क्या फरमाया आप जानते हैं अल्लाह फरमाते हैं या नबी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए अपनी बीवियों को अपनी बेटियों को और मुसलमान औरतों को क्या हुक्म दिया हिजाब का हुक्म दिया कि अपने आप को सर से लेकर पाँव तक मुकम्मल ढांक ले जिलबाब जैसे कपड़े से तो जाए की अहमियत क्या है आप जानते हैं अल्लाह सुबहान यह हिजाब का सख्त हुक्म अल्लाह के रसूल मोहम्मद की बीवियों को दिया है अल्लाह के रसूल मोहम्मद की बेटियों को दिया है और अल्लाह के रसूल मोहम्मद के ज़माने की मुसलमान औरतों को दिया है और फिर हमको भी दिया है तो अगर हमारी कोई मुसलमान बहन ये कहे कि मेरे दिल तो साफ है मेरे दिल में कोई बुराई नहीं है सामने वाला जो सोचा सोचे लेकिन मैं तो शरीफ हूँ तो ये नज़रिया बिल्कुल बेबुनियाद नज़रिया है क्यों जब अल्लाह ने पाक दामन औरतों को हिजाब का हुक्म दिया है तो आप और मैं किस खेत की मूली है जब उनके हम अपने आप को वो भी आज के ज़माने में कोई मुसलमान औरत कह सकती है कि मैं शरीफ हूँ जबकि अल्लाह ने पाक दामन औरतों को हुक्म दिया है हिजाब का तो ये चीज़ को हमको वाजें होनी ज़रूरी है कि हिजाब करना हम पर फ़र्ज़ है और जो हमारी बहनें नहीं करते उनको हम अच्छे से नसीहत भी करेंगे कि वो भी हिजाब करें अब हिजाब के ज़िमन में दूसरी अहम बातें ये भी वाजे हो जाए कि इस्लाम ने हमको बनाओ सिंगार से नहीं रोका है ब्यूटीफाइंग योर सेल्फ अपने आप का बनाओ सिंगार से इस्लाम ने हमको नहीं रोका है जब क्या आप जब सुनन नसाई की हदीस पढ़ते हैं हदीस नंबर तीन हज़ार दो सौ तैंतीस अल्लाह के रसूल मोहम्मद ने खूब मुसलमान बीवियों को उभारा है कि वो अपने शोहरों के लिए खूब बन ठन कर रहें यानी बनाओ सिंगार करें और जब शोहर को अपनी तरफ रागब करें क्योंकि ये उसका अमल उसको जन्नत दिला सकता है माशा अल्लाह की इबादत हो जाती है सुबह अल्लाह और औरत जब बनाओ सिंगार करे तो वो उन अपने मर्द रिश्तेदारों के सामने बनाओ सिंगार के साथ आ सकती है जिससे वो ज़िंदगी में कभी निकाह नहीं कर सकती सगा बाप हो सगा भाई हो सगे मामू सगे चिच्चा ऐसे रिश्तों के सामने वो बनाओ सिंगार के साथ आ सकती है लेकिन गैर महरम रिश्तों के सामने वो हिजाब के साथ ही जलबाब वाला हिजाब यानी सुर एज़ाब की आयत नंबर जो उनसाठ है उसके ज़िम्मन में जो हिजाब आया है वैसा ही अपने खालाजाद भाई चचाज़ाद भाई यानी कज़न्स के सामने भी हिजाब करना होगा उनके सामने भी बनाओ सिंगार नहीं कर सकते ये एक चीज़ माशाल्लाह हमको समझनी ज़रूरी थी इसके अलावा इस्लाम ने हमको जो आम तौर पर मुसलमान औरतें हमारी हमारी बहनें आईब्रोज़ के बालों में जो छेड़छाड़ करती हैं अल्लाह के रसूल मोहम्मद वसलम ने सख्ती से मना किया है कि कोई भी औरत अपने आईब्रोज़ के बालों में कोई छेड़छाड़ करे खूबसूरती के नाम पर इसी तरीके से बालों को ऊंचा जूड़े की शक्ल में या चोंडे की शक्ल में सर के ऊपर बांधना इस पर भी अल्लाह के रसुल महमदम ने लानत भेजी है इसी एतबार से अल्लाह के रसूल मोहम्मद ने कहा कि औरतें टैटूज़ ना बनाएं जो आज बड़ा आम है जो पहले ज़माने में भी बड़ा आम था टैटूज़ ना बनाएं और इसी तरीके से अपने दांतों के बीच में स्पेसिंग ना करें या दांतों को कुछ ऐसा ना करें जिससे दांतों के बीच में शान आए जिससे कि खूबसूरती आ जाए ये भी इससे भी हमको मना किया है इसके साथ साथ अल्लाह के रसूल मोहम्मद ने हदीस में फरमाया कि कोई मुसलमान औरत को चाहिए कि वो जब अपने घर से बाहर निकले तो खुशबू का इस्तेमाल ना करें जो औरत घर से बाहर निकलती है खुशबू लगाकर लगा कर या अज़ानिया अज़ानिया अजानिया वो जानिया औरत की तरह है वो जानिया औरत की तरह है वो जानिया औरत की तरह है यानी अल्लाह के रसूल मोहम्मद फरमाते हैं कि जो मुसलमान औरत खुशबू लगाकर घर से बाहर निकले शी इज़ लाइक अ प्रोस्टिट्यूट बिल्ला तो ये चंद बातों का अहतमाम हमको हिजाब की नजर में रखने हैं और किसी भी कुरान और हदीस की तालीम को नजर में रखते वक्त सोचिए जरूर आज के हालात में शायद हमारे लिए कुछ मुश्किल शैतानी वसवसों की शक्ल में आए इंसान के किसी दूसरों के वसवासों की शक्ल में आए कि ये हुक्म को मैं कैसे बजा लाऊँ ये हुक्म तो ऐप वाला हुक्म माना जा रहा है जैसे कि जॉइंट फैमिली में देवर जेठ के सामने तो बासानी निकल रही हूँ लेकिन अब मैं कैसे हिजाब कैसे कर लूँ तो सोचिए आप अल्लाह ने सुर एज़ाब की आयत नंबर छः में क्या फरमाया कि मेरे नबी तुम्हारी फ़िक्र और तुम्हारी मोहब्बत जो तुम अपने आप की फिक्र और मोहब्बत करते हो उससे बढ़कर नबी तुमसे मोहब्बत करते हैं हो अल्लाह यानी मैं जो अपने आप से मोहब्बत करती हूँ अपनी आप की जो फिक्र करती हूँ उससे बढ़कर अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुझसे मोहब्बत और मेरी फ़िक्र करते हैं आप जो आपस में एक दूसरे की यानी खुद की जो फिक्र और मोहब्बत रखते हैं उससे बढ़कर मोहम्मद अजम मोहम्मद हमसे मोहब्बत और फ़िक्र रखते हैं तो लिहाजा किसी भी इस्लाम की तालीम चाहे वो हिजाब हो चाहे वो निकाह का कोई मसला हो तलाक़ का कोई मसला कोई भी इस्लाम का मसला हो हमको को वाजे वाज होना चाहिए कि हम वही बन जाएंगे जो सहाबा साबियात रहते थे अतिल अल्ला अल्ला रसूल अल्लाह की तात करो अल्लाह के रसूल मोहम्मद की तात करो इसके बाद आइए देखते हैं मेरी आज की तकरीर का चौथा मसला वो है इल्म हासिल करने और नौकरी करने के मसाइल आप गौर कीजिए अल्लाह के मुकदस किताब कुरान पाक की सबसे पहली वही में अल्लाह सुबहान जो सबसे पहला पैगाम नाजिल किया है वो क्या है एरा पढ़ो इल्म हासिल करने की इतनी बड़ी अहमियत है इस्लाम ने इस्लाम में कि सबसे पहली किताब जो कुरान मजीद की सबसे पहली आयत है इसमें अल्लाह ने इखरा कहा है पढ़ो कहा है इसका मतलब क्या हुआ इल्म की इतनी बड़ी अहमियत है लेकिन आयत वहाँ ख़त्म नहीं होती अल्लाह सुबहान तौर ने सिर्फ इखरा नहीं कहा ए खराब इसमें रब्लवी खलक पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुमको पैदा किया तो इसका माना यह हुआ कि हम तमाम जो जोम अल्लाह ने दिए हैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लेट देर बी एनी काइंड एंड टाइप्स ऑफ एजुकेशन कोई भी किस्म के आप आपूम इस दुनिया में देख लें सबके ऊपर और सबसे भारी और सबसे ज़रूरी है हम सब के लिए अल्लाह के बारे में जानना इखरा का माना है सबसे पहले अब अल्लाह के बारे बे में बेसम रबी कर लजी खलक पहले अल्लाह के बारे में जानो अल्लाह के बाद अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लम के बारे में जानो अल्लाह के रसूल मोहम्मद वसलम के बाद आप बेशुमार जो दूसरी चीज़ें इस्लाम की जो बुनियादी चीज़ें उनके मालूम करो इसके बाद आती है आपकी स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तालीम अलहमदुल्ल यहाँ तक तो हम सब इतना समझ चुके हैं कि इस्लाम में इल्म हासिल करना कहीं भी कुरान और हदीस की आपको हवाले से नहीं मिलता कि सिर्फ मुसलमान मर्द हासिल करें या कहीं ये भी नहीं मिलता कि मुसलमान औरत इल्म हासिल ना करे इसके बरखिलाफ़ आपको इबन माजा जिल नंबर एक हदीस नंबर दो सौ चौबीस में आता है अल्लाह के रसुल मुहम्मद ने फरमाया कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज है यानी मुसलमान औरत पर भी फ़र्ज है मुसलमान मर्द पर भी फ़र्ज है अल्लाह ने जितनी तोफ़ी कुरान और हदीस की रोशनी में मुझे बेशुमार्लूम अल्लाह ने नवाज़े हैं बेशुमार्लूम जो अल्लाह ने मुझे दिए हैं उसको नज़र में रखते हुए आप सबसे गुजारिश ज़रूर करूँगी कि दुनिया की जो भी तालीम है स्कूल, कॉलेज यूनिवर्सिटी जितनी भी आप तालीम हासिल करना चाहती हैं करिए लेकिन सबसे ज़्यादा तरजीह सबसे बड़ी अहमियत अल्लाह के बारे में तोहहीद की बुनियादी मालूम रखिए अल्लाह के रसूल मोहम्मद की रिसालत की बुनियादी मालूम रखिए अल्लाह के रसूल मोहम्मद के जो बीवियाँ हैं उनके कम अज़ कम नाम उनके बुनियादी तारफ आप रख लीजिए इसी तरीके से हैज़ और रिफाज के तलुक़ से बुनियादी मालूम रखिए नमाज के बुनियादी मालूम औरत की मैयत हो जाए तो उसको गुसल देने की बुनियादी मालूम ये तमाम मालूम रखी क्यों क्योंकि यही तालीमत काम आने वाली हैं कब आएंगी एक बार आपकी सांस रुक गई और आपको आपके घर वाले खबर के गड़े में डाल देंगे तो आपको आपकी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की सौ डिग्रीज अगर आप कमा लें एक हज़ार बार नोबेल प्राइज़ आप जीत लें तो वो बिल्कुल काम आने वाली नहीं है यही अल्लाह रसूल की तालीम काम आने वाली है तो ये एक चीज़ माशा एक गुजारिश या एक नसीहत के तौर पर आप सबको बताना चाहती थी अब इस्लाम में जो इल्म हासिल करने और नौकरी करने के जो औरतों के लिए मसाइल हैं उसको बड़े आसानी से समझने के लिए ये समझा दूं कि चार बुनियादी शरात है चार कंडीशंस है बुनियादी कंडीशंस है जिसको अगर कोई मुसलमान औरत पूरे कर लेती है तो वो माशाल्लाह इल्म हासिल कर सकती है या नौकरी कर सकती है और इन चार का जिक्र करने से पहले सबसे पहले ये भी आपको बता दूं कि इन चार कंडीशंस को सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आज के मीडिया के इस नेगेटिव प्रोपागेंडा में ये मीडिया जो बकवास की बातें आज करती है कि देखो मुसलमान मर्द को इस्लाम ने पूरी छूट दे दी औरतों पर ही शराय लगा दी है तो ये बात बेबुनियाद साबित होगी क्यों क्योंकि इन चार शरात में के पहले जो तीन शराइत है ये मुसलमान मर्द के लिए भी है औरतों के लिए पूरे चार हैं मर्द के लिए ये पहले तीन भी है तो ये बात बिल्कुल इनकी बेबुनियाद हो जाती है आइए देखते हैं ये चार शरात क्या है हमारा इल्म हासिल करना और नौकरी करने के लिए सबसे पहली बुनियादी शर्त है औरतों के लिए और मर्दों के लिए कि आप कोई भी ऐसा इल्म हासिल नहीं कर सकते कोई भी ऐसी नौकरी नहीं कर सकते जहाँ पर आपको अल्लाह के क़ानून के ख़िलाफ़ वर्जी करने के लिए कहा गया हो अल्लाह के कानून के ख़िलाफ़ कोई तालीम दी जा रही हो अल्लाह के क़ानून नौकरी करने के लिए कहा जा रहा हो मिसाल के तौर पर सूद का कारोबार कैसे करें उसका इल्म आप हासिल नहीं कर सकते सूद का कारोबार कैसे करें ऐसे आप नौकरी नहीं कर सकते ये पहली चीज़ हो गई पहली शर्त हो गई कुरान हदीस के यानी अल्लाह अल्लाह की शरीयत के ख़िलाफ़ वाली कोई इल्म या नौकरी हासिल नहीं करेंगे या नहीं करेंगे दूसरी शर्त है कोई भी मुसलमान मर्द या मुसलमान औरत ऐसा इल्म या ऐसी नौकरी, नौकरी नहीं करेंगे जिसके जहाँ पर भी आप नौकरी करते हैं या इल्म हासिल करते हैं वहाँ पर आपको अल्लाह के फ़र्ज़ इबादत से रोका जाता हो यानी जहाँ भी आप नौकरी कर रहे हैं या इल्म हासिल कर रहे हैं आपको पाँच वक्त की नमाज़ों से रोका जा रहा है या मुसलमान मर्द को दाढ़ी कटाने के लिए कहा जा रहा है दाढ़ी काटना पड़ेगा कहा जा रहा है या मुसलमान औरत को हिजाब निकालने के लिए कहा जा रहा है तो ऐसे जगह पर ना हम पढ़ सकते हैं ना नौकरी कर सकते हैं ये दूसरी शर्त हो गई तीसरी शर्त है जो मुसलमान मर्द और मुसलमान औरत दोनों के लिए है वो ये है कि कोई भी मुसलमान मर्द या मुसलमान औरत ऐसी जगह इल्म नहीं हासिल कर सकते और ना ऐसी जगह नौकरी कर सकते हैं जहाँ पर गैर महरम मर्दों और औरतों के साथ उठते बैठते हंसी मजाक जिसको हम ठीठी ठाटा कहते हैं दिल लगी की बातें करना ये बड़ा आम है और ये ऐसे ही मकामा है जहाँ पर आँखों का ज़िना आपके पाओ का ज़िना हाथों का जिना बड़ा आम हो जाता है तो ये चीज़ से हमको माशा एहतियात करनी चाहिए चौथी शर्त जैसे कि मैंने पहले बताया तीन शराब मुसलमान मर्द औरत दोनों के लिए हैं चौथी शर्त सिर्फ मुसलमान औरत के लिए है। वो शर्त क्या है कि मुसलमान औरत को नौकरी करने के लिए उसके वली की इजाजत की जरूरत है वली इजाजत नहीं देता वली यानी उसका जो निगरानकार है उसका सगा बाप है या शौहर है अगर बाप ना हो सगा भाई है, जो भी इसकी निगरानी में है फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने वाला है वो इजाज़त नहीं देता तो औरत नौकरी नहीं कर सकती अब इसको समझने के लिए इसके चंद वजूहत इन आप समझ जाइए सबसे पहली वजह औरत को नौकरी करने के लिए वली की इजाज़त की ज़रूरत क्यों पड़ रही है पहली इसकी बुनियादी वजह यह हो सकती है कि अल्लाह ने सूर्य निसा सूर नंबर चार की आयत नंबर चौंतीस में फरमाया कि अल्लाह सुबहान मर्द को औरत का निगरानकार बनाया है इसका मतलब क्या हुआ इस्लाम में औरत की ज़िंदगी के हर मरले पर अल्लाह ने एक मर्द निगरानकार रखा है उसके फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने उसके माली ज़रूरिया को पूरा करने पैदा होते ही सगा बाप जो है वो माली ज़रूरियात को पूरा करेगा बाप नहीं है तो बड़ा भाई करेगा शादी हो गई तो शौहर करेगा मरने के करीब है तो बेटा करेगा बरहाल कोई ना कोई औरत की माली ज़रूरियात को पूरा करेगा तो फिर जब माली ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अल्लाह ने एक मर्द मुकर ही किया है तो अब औरत को नौकरी करने की माशाल्लाह ज़रूरत ही नहीं है लेकिन इस्लाम ने इजाज़त दी है लेकिन शर्त लगाई कि वली खुद इजाजत दे तो ये पहली चीज़ हो गई पहली वजह हो सकती है दूसरी वजह यह हो सकती है कि औरत अगर वली की इजाज़त के साथ भी अगर नौकरी कर ले तो अगर जो वो माल कमाती है उस माल में से उसका वली उससे एक रुपया भी जबरन नहीं ले सकता कि देखो नौकरी की तो इजाज़त दे दी अब जरूरियात ज़िंदगी जो घर की है उसमें तुम अब पैसा दो ये नहीं कर सकते क्यों क्योंकि घर की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मर्द को अल्लाह ने मुकर किया है तो इससे क्या समझ में आया औरत को नौकरी की इस्लाम में दरअसल ज़रूरत ही नहीं है और फिर भी इस्लाम ने इजाज़त दी क्यों औरत यूं ही करना चाहे कर सकती है लेकिन इसको उभारा नहीं गया है ये दूसरी बात है तीसरी वजह यह हो सकती है कि आज आप देख ही रहे हैं दुनिया के अलग अलग कोनों में इतने सख्त कवानीन रहने के बावजूद यानी इतने स्ट्रिक्ट लॉज रहने के बावजूद औरतों को जब वो काम करने की जगह जाती हैं तो उनको रास्ते में छेड़छाड़ उनके साथ गंदे काम यहाँ तक कि उनका रेप तक कर दिया जा रहा है और आपको तजुब होगा ये जानकर कि दुनिया में फिल्मों की सबसे आज़ाद जगह जिसको हॉलीवुड कहते हैं वहीं पर हाल ही में चंद अरसे से वहाँ की जो आज़ाद औरतें हैं उन्होंने ही दावा किया है कि हमको काफ़ी सालों से रेप किया गया नौज़ बिल्ला जिसको मी टू मूवमेंट के तहत बड़ा चर्चे में यह रहा तो यहाँ की तो औरतें सबसे आज़ाद है फिर उनका रेप कैसे हो गया नौज़ बिल्ला यानी काम करने की जगह पर यह होता है यहाँ तक के द वीक जो मैगज़ीन है उसकी एक रिपोर्ट आती है कि जितनी बहनें यानी जितनी औरतें काम करने जाती हैं वर्क प्लेस पर नौकरी जो करती हैं हर तीन में कि एक लड़की के साथ इनको ऐसी जिस्मानी अजियतें दी जाती हैं यानी इनको सेक्सुअली हरास किया जाता है यहाँ तक कि हमारी कई बहनों का रेप तक हो जाता है नवूज बिल्ला तो ये बता बातें बताने का मकसद ये था कि इस्लाम ने औरत को मुकम्मल तौर पर महफूज कर दिया उस पर घर की ज़रूरियात माली ज़रूरियात को पूरा करने का उसके ऊपर कोई बोझ ही नहीं रखा क्यों क्योंकि औरत को अल्लाह ने जो घर की जिम्मेदारियां दी हैं घर की जिम्मेदारियों में खुद अपने शौहर की इतात शोहर की, की फर्माबर्दारी घर को संभालना औलाद हो गई दो साल उसको दूध पिलाना जिसका ज़िक्र सूर्य बकरा की आयत नंबर दो सौ तैतीस में आता है जिसको मेडिकल साइंस उस माँ के दूध का आज तक कोई मुतबाद पेश नहीं कर सकी उसका कोई आल्टरनेटिव पेश नहीं कर सकी तो ये जिम्मेदारी अल्लाह ने औरतों को दी है इसके साथ साथ को हज़ की मुश्किल होती हैं निफ़ास की मुश्किल होती हैं बच्चा पैदा होने के बाद की मुश्किल होती हैं तो अल्लाह औरत को महफूज उसकी इज़्ज़त को महफूज घर में रखा है और आप सोचिए यही माओ की तरबियत है जिसकी वजह से सुबहान अल्लाह हमारे दरमिया इस दुनिया में यानि इस दुनिया में अलग अलग हस्ट्री के हस्ट्री के आस्पेक्ट्स में आप देखेंगे अलग अलग तारीख़ी एतबार से अल्लाह ने हमको इमाम बुखारी रहमत लाई जैसे प्यारे शख्स को अल्लाह ने हमारे पास भेजा इसी तरीके से इमाम मुस्लिम था था रहे हमारे चार बड़े अईम् जो हैं इनकी माओं के नीचे अल्लाह ने इनकी जन्नत रखी है यहाँ तक कि बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह के बारे में तो अल्लाह के रसूल मोहम्मद ने फरमाया कि इनके जो दो बेटे हैं हसन और हुसैन रजी अल्लाह तू ये जन्नत के जो, जो जवान हैं उनके सरदार हैं तो कैसी तरबियत होगी और खुद फातिमा रजी अल्ला तौ को कह दिया कि जन्नत की औरतों की सरदार है सिवाय मरियम सलाम के तो ये जो जिम्मेदारी अल्लाह ने दी है औरतों को इसीलिए नौकरी के लिए उभारा ही उभारा नहीं है करना भी चाहती है तो ये उसके चार शराब हैं ये एक बात आपको वादे करना चाहती थी तो ये चौथा मसला हो गया कौन सा इल्म हासिल करने और नौकरी करने के मसाइल पांचवा और आखिरी मसला है वो है निकाह तलाक खुला और जॉइंट फैमिली के मसले इस्लाम में निकाह जो कॉन्सेप्ट है जो तस्वर है ये जिना के तोड़ पर रखा गया है इसका माना क्या हुआ जब आप इब्ने माजा पढ़ते हैं जिल नंबर तीन हदीस नंबर अट्ठारह वॉल्यूम नंबर थ्री हदीस नंबर 1846 अल्लाह के रसूल मोहम्मद ने फरमाया निकाहू मिन सुन्नति निकाह मेरी सुन्नत है यानी कुरान के अलग अलग, अलग आयत और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अदीत और इस हदीस को भी अब हम नज़र में रखें तो पता चलता है कि इस्लाम में निकाह उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि कुरान और हदीस के तहत जो शराी जो शराइ हैं यानी जो कंडीशन इस्लाम ने रखे हैं उसको पूरा करे बग़ैर निकाह नहीं हो सकता इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी मुसलमान मर्द और मुसलमान औरत ये पूरे शराइ को पूरा किए बग़ैर चाहे कितना भी दिल में आपस में एक दूसरे को मियाँ बीवी तस्वुर कर लें यहाँ तक के एक साथ रहना भी शुरू कर दें तो इनको निकाह का रिश्ता नहीं माना जाएगा और अगर इस दौरान उनको औलाद भी हो जाए तो इनको जिना से पैदा हुए बच्चे तस्वुर किया जाएगा क्यों क्योंकि कुरान और हदीस की रोशनी में निकाह पूरा नहीं हुआ यानि निकाह ही नहीं हुआ तो आइए देखते हैं वो कौन से बुनियादी शरात हैं जो एक मुसलमान औरत को मालूम होने चाहिए जिससे कि निकाह मुकम्मल होता है सबसे पहली और सबसे अहम चीज अल्लाह सुबहान तौर पर सूर्य बखरा सूरा नंबर दो आयत नंबर दो सौ इक्कीस में फरमाया सूर्य बकरा सूरा नंबर टू आयत नंबर टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी वन में अल्लाह सुबहान तला ने मुसलमान औरतों को हुक्म दिया कि वो किसी भी गैर मुसलमान लड़के या मर्द से निकाह नहीं कर सकते हरगिज़ उनके लिए जायज नहीं है ये एक चीज हमको मालूम होनी जरूरी थी दूसरी शर्त निकाह के लिए मुसलमान लड़की की इजाज़त के बगैर निकाह नहीं हो सकता तीसरी अहम चीज निकाह में लड़की की मर्जी के साथ साथ उसके ऊपर कुछ जबर भी नहीं किया जा सकता इसके साथ साथ वली की मौजूदगी भी जरूरी है पहला है गैर मुसलमान से शादी नहीं हो सकती दूसरा है बगैर लड़की की मर्जी के निकाह नहीं हो सकता तीसरा है वली की मौजूदगी के बगैर निकाह नहीं हो सकता चौथा है एक वक्त में मुसलमान लड़की दो शोहर के निकाह में नहीं रह सकती सूर्य निसा सूर्य नंबर चार आयत नंबर चौबीस के जिमन में पांचवी चीज कोई भी मुसलमान लड़की ऐसे मुसलमान मर्द से निकाह नहीं कर सकती जिसकी पहली बीवी इस मुसलमान लड़की की सगी बहन हो सगी फूपी हो सगी खाला हो सगी भा, भांजी या सगी भतीजी हो यानी आसानी से इसको अगर हम समझ जाएं कि एक ही वक्त में एक मुसलमान मर्द दो सगी बहनों से निकाह नहीं कर सकता एक ही वक्त में वो खाला और भांजी या फूपी या भतीजी से निकाह नहीं कर सकता ये एक चीज़ हमको माशाल्लाह समझनी चाहिए ये पांचवा नुक्ता हो गया छठा है दो मर्द गवाहों के बग़ैर निकाह नहीं हो सकता और सातवा है महर का तय होना जो लड़की की मर्जी के मुताबिक उसके बगैर भी निकाह तय नहीं होता ये बुनियादी बातें आपको बतानी थी अब इसके अलावा आप देखिए अगर कोई मुसलमान लड़की निकाह से पहले अपने होने वाले शौहर के पास कुछ कंडीशंस रखें कुछ शराइत रखें कि आप मेरे ये शरात निकाह के बाद पूरे कर लीजिए तो वो गवाहों की मौजूदगी में अपने शराइत बता सकती है और वो ये भी कह सकती है कि अगर आप मेरे शराइ पूरे नहीं करेंगे तो आप मुझे तलाक दीजिए या मैं आपसे खुला लूँगी ये समझिए कि आप ये शराय माशा रख सकती हैं लेकिन कोई भी मुसलमान लड़की कोई ऐसी शर्त अपने होने वाले शौहर के लिए नहीं रख सकती जहाँ पर वो कुरान की किसी आयत के हुक्म या इजाज़त से टकराए या अल्लाह के रसूल मोहम्मद की सीरत से टकराए मिसाल के तौर पर कोई लड़की अपने होने वाले शोहर से ये नहीं कह सकती कि जब तक मैं आपके निकाह में हूँ आप दूसरी तीसरी या चौथी शादी नहीं कर सकते क्यों क्योंकि दूसरी तीसरी या चौथी शादी करने की इजाज़त अल्लाह ने कुरान में दी है सूर्य निसा सरा नंबर चार आयत नंबर तीन में अल्लाह ने दी है और मुसलमान लड़की की ये शर्त कुरान के ख़िलाफ़ जा रही है किस हद तक कि अल्लाह ने सूर मोहम्मद की आयत नंबर नौ में कहा सात से नौ में कहा कि ये लोग यानि चंद मुसलमान ऐसे हैं जो अल्लाह की नाजिल करदा किताब यानि किताब के अहकाम में से चंद चीज़ों को नापसंद करते हैं तो अल्लाह उनके तमाम नेकियों को बर्बाद कर देंगे और यहाँ तक अल्लाह ने सूर मोहम्मद से सूर्य नंबर सैंतालीस की आयत नंबर पच्चीस और छब्बीस आप पढ़ेंगे अल्लाह सुबहान तला ने फरमाया कि ये लोग जो अल्लाह ने नाजिल किया उसको ना पसंद करते हैं और गैर मुसलमानों से मिलकर कहते हैं कि इस मसले में तो हम तुम्हारे साथ हैं हमको भी ये इस्लाम की चीज़ नहीं पसंद तो अल्लाह सुबहान तला फरमाते हैं कि मौत के फरिश्ते कैसे इनकी रूह कब्ज़ करते वक्त इनको चेहरे पर इनकी पीठ पे मार मार कर इनकी रूह को कब्ज़ करेंगे और कहेंगे कि कैसे तूने उस चीज़ को पसंद किया जो अल्लाह को नापसंद थी और उस चीज़ को नापसंद किया जो अल्लाह की पसंदीदा चीज़ थी तो ऐसी कोई शर्त हम नहीं रख सकते इसके अलावा सही बुखारी जिल नंबर सात हदीस नंबर पाँच में अल्लाह के रसूल मोहम्मद ने एक बहुत अहम नसीहत निकाह के ताल्लुक से की है वो रुक्या है कि कोई भी मुसलमान मर्द निकाह करने के लिए एक दीनदार लड़की को चुनेगा और इसी तरीके से मुसलमान लड़की भी अगर किसी से निकाह करना चाहे तो किसी दीनदार मर्द को चुनेगी निकाह के लिए मैं आप सबको बता दूं मेरी जो बुनियादी कुरान हदीस की रोशनी में जो तालीम अल्लाह ने दी है दीनदारी से मुराद आप किसको लेंगे इसको आप बुनियादी तौर पर मामलत दारी से लेंगे यानी होने वाला आपका जो शौहर है क्या वो अपने माँ बाप के हकूक़ अदा करता है कि नहीं उसके साथ साथ दूसरे रिश्तेदारों का हक़ अदा करता है कि नहीं हलाल कमाता है कि नहीं इसी तरीक़े से वो खैरा तो सदक़ात करता है कि नहीं रहन सहन में सादगी पसंद है या नहीं ये मालूम करिए ना कि ये मालूम करिए कि कितना कमाता है कौन से जहां में हीरो की तरह लगता है कितनी प्रॉपर्टियाँ हैं इसको तरजीह ना दीजिए तो एक बुनियादी बात आप सबको बतानी थी इसके अलावा आप देखिए अल्लाह के रसूल मोहम्मद वसलम ने जो महर के ताल्लुक़ से हमको बताया है कि मुसलमान औरत को जो महर जो उस पर फ़र्ज़ किया गया है कि उसका हक़ है लेना लेकिन हमको कुरान हदीस की तलीमत से ये सिखाया जाता है कि आप महर को इतना बड़ा चढ़ा कर मत लीजिए कि रिश्ता क़ायम होने के लिए मुश्किल पेश आ जाए ये भी एक चीज़ ज़रूरी थी मेरी तकरीर के दौरान जैसे मैंने निकाह के ताल्लुक़ से वली की मौजूदगी का जिक्र किया था उसमें एक चीज़ को वाजे करना चाहती हूँ वो ये है कि वली कुरान और हदीस की रोशनी में अगर कोई कहे कि सिर्फ़ बाप होगा लड़की का तो ये बात गलत होगी वली उसका बाप होगा ठीक है लेकिन सिर्फ़ बाप होना कहना ये कुरान हदीस की तालीम से हमको कोई दलील नहीं मिलती मिसाल के तौर पर अगर कोई मुसलमान लड़की उसका जो मुसलमान वली है यानी उसका बाप है मुसलमान लड़की किसी मुसलमान लड़के से निकाह करना चाहती है और वली जो है वो इजाज़त नहीं देता नहीं मानता तो इस्लामी हुकूमत के तहत जो खाजी होता है यानी अगर आम एतबार भी हुकूमत के तहत जो खाजी होता है वो लड़की के दूसरे लाजिम शराइ को पूरा करते हुए निकाह पढ़वा देगा क्यों क्योंकि इस्लाम में लड़की की मर्जी जो है वो ज़्यादा अहम है बनस्बत वली की मौजूदगी के ये एक बात भी आपको बता देना चाहती हूँ इसके अलावा इस बात का भी ख्याल रखिए कि अल्लाह सुबहान ने सूर नूर की आयत में आयत नंबर तैंतीस में सुर नूर सुर नंबर चौबीस की आयत नंबर तैंतीस में अगर आप किसी दीनदार से निकाह करना चाहते हैं लेकिन देखते हैं कि वह गरीब है अल्लाह इस आयत में फ़रमाते हैं कि तुम शादी करो तुम निकाह करो मैं तुमको गनी कर दूँगा यानी अगर कोई मुसलमान औरत देखे कि जिससे वो निकाह करना चाहती है वो दीनदार है लेकिन वो गरीब है तो उसको चाहिए कि इन शाला वो निकाह कर लें क्योंकि अल्लाह इस मुसलमान औरत को उस मुसलमान मर्द की ज़िंदगी में खूब ख़ुशियाँ खूब इनामात का अल्लाह उसको ज़रिया बना देंगे तो ये इन का लिहाज रखिए इसी एतबार से जैसे मैंने कहा कि महर बड़ा चढ़ा कर मत लीजिए जो मिनिमम महर जिसको आप कह सकते हैं अहादीस में जैसे लोहे की अंगूठी का जिक्र आया है सही बुखारी जिल नंबर सात के बेशुमार बेशुमारहादिस में आया है एक सहाबिया आई अल्लाह के रसूल मोहम्मद वसम से कहा कि या रसोल्लम मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ अल्लाह के रसूल रसोल्ला वसम ने कुछ जवाब नहीं दिया तीन मरतबा साहबिया ने पूछा तीन मरतबा वे अल्लाह के रसूल मोहम्मद वसम ने अपनी सर को नीचे कर लिया एक सहाबी आया और कहा कि या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इस खातून से इस सहाबिया से निकाह करना चाहता हूँ अल्लाह के रसूल मोहम्मद वसल्लम ने आज की तरह आज अगर हमारे साथ कुछ ऐसा वाक़ा पेश आता तो हम लड़की से पूछते कि जहेज़ देने के लिए क्या है अल्लाह के रसूल मोहम्मद ने सहाबी से पूछा कि मेहर देने के लिए क्या है और साहबी आप सोचिए कितने गरीब थे कि उनके घर वो जब जाकर ढूंढ कर आए तो लोहे की अंगूठी तक उनके घर में मौजूद ना थी तो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना प्यारा महर तय पाया कि जितना कुरान आपको याद है वो कुरान इस सहाबिया को याद दिला देना निकाह के बाद यही उसका महर है तो माशाल्लाह अल्लाह की तौफीक से भी जब मेरा निकाह जनाब इमरान से जब हुआ था तो मैंने भी माहर की यही मांग की थी कि वो मुझे दावती काम के लिए दाई बना दे अल्हम्दुलिल्लाह तो ये चीज़ महर के मालूम अल्हम्दुलिल्लाह हमको हो गए अब इसमें निकाह का बुनियादी भी हमको तारुफ चले गया निकाह के बाद है तलाक़ तलाक़ के बारे में बहुत आम जो गलत फ़हमी हम सबको माशरे में और गैर मुसलमानों में जो चंद जो इस्लाम के दुश्मन हैं उनके लिए तो ये बहुत बड़ा हथियार है हमको बताने के लिए कि देखो इस्लाम कैसा दीन है कि मुसलमान मर्द एक बार तलाक 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 कह देता है औरत घर से बाहर जबकि आप जब कुरान पढ़ते हैं सूर्य बकरा सूर्य नंबर दो आयत नंबर दो सौ अट्ठाईस से आयत नंबर दो सौ इकतालीस तक टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी एट से टू हंड्रेड एंड फोर्टी वन तक इसी तरीक़े से सूर एहजाब सुरय नंबर तैतीस की आयत नंबर उनचास और इसी तरीके से सूर तलाक़ सूरह नंबर पैंसठ आयत नंबर एक से चार इन तमाम मुकाम पर तलाक़ का बुनियादी तारुफ आया है और आप गौर करेंगे पूरी कुरान में और पूरी अल्लाह के रसूल मोहम्मद की सीरत से हमको कहीं भी ये दलील नहीं मिलती कि तलाक़ 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 कहने पर तीन बार तलाक़ पड़ जाती है इसकी हमको कोई दलील नहीं मिलती ख़ुद इबन अब्बास रजी अल्लाह तन फरमाते हैं तीस नंबर दो हज़ार छः सौ तिरहत्तर टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड सेवेंटी थ्री इबन अब्बास रजी अल्लाह तौ फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद के हयात मुबारक के दौरान यानी नबी करीमलम के दौर में इसके बाद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तन की खिलाफत के दौरान और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तन की खिलाफत के बाद उमर रजी अल्लाह तन की खिलाफत के पहले दो सालों में एक बैठक में यानी सिर्फ एक बैठक में तीन बार तलाक देंगे तो उसको एक ही माना जाता था तीन नहीं माने जाते थे बाद में वजूहत की बिना पर उमर रजी अल्लाह तन ने इसको तीन को तीन ही करार दे दिया था अब इस मसले को हम कैसे सॉल्व करेंगे कैसे समझेंगे जाहिर सी बात है अल्लाह ने सुर निसा की आयत नंबर उनसाठ में क्या फरमाया कि अगर तुम देखते हो कि हुक्मरानों में या उलेमा में कोई इख्तलाफ हो जाए तो कह दिया आती वती रसूल अल्लाह की तात करो अल्लाह के रसूल मोहम्मद की तात करो व उल अल अम्रिन कुम और तुम्हारे हुक्मरान या तुम्हारे जो उलेमा है उनकी इतात करो फ़ इन तनाजा तुम शैन अगर इनमें कोई इख्तिलाफ़ हो जाए फ़ुर व रसूली फिर अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौट आओ तो इस मसले का हल साफ सीधा है कि हमारे लिए उमर रजी तन के एक फ़ैसले से बढ़ कर अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद वसलम का क़ानून है माशा वह हमारे लिए बेहतर है तो एक बैठक में कैसे होगी तलाक आप देखिए अगर कोई मुसलमान शौहर अपनी बीवी को तलाक़ देता है तो कुरान की आयतों के हिसाब से जो मैंने अभी बताए सूर बकरा की आयत नंबर 228 सौ आयत नंबर 241 सौ तलाक सूरा नंबर पैंसठ आयत नंबर एक से चार अल्लाह ने आयतें नाजिल की कि जब तुम अपनी बीवियों को तलाक दो तो उनके तीन माहवारी तक रुकते रहो रुको वेटिंग पीरियड क्या है औरत का तीन माहवारी तीन बार उसको हैज से गुजरना होगा तीन बार उसको पीरियड्स आएंगे जब तक घर से बाहर नहीं निकाल सकते और इस दौरान अगर तुम एक दूसरे से मिल लो या हम भी कर लो तो फिर शौहर ने तीन तलाक में की एक तलाक की लाइफ लाइन को यूज कर लिया अब ऐसा ही फिर से वाकया होता है दो बार ऐसा फिर से अगर हो जाए यानी दो अलग बैठकों में तब शौहर ने तीन तलाक दे दी अब वो अपनी उस मुसलमान बीवी से उस वक्त तक निकाह नहीं कर सकता जब तक कि वो मुसलमान औरत का कहीं और कुदरती तौर पर ना हो जाए क़ुदरती तौर पर उनमें तलाक़ ना हो जाए तो फिर वो उस मुसलमान औरत से निकाह कर सकता है ये बुनियादी तलाक़ का तारुफ है इसके अलावा तलाक़ के बाद खुला क्या है देखिए जब मुसलमान मर्द मुसलमान औरत से जुदा होना चाहता है निकाह के इस रिश्ते में नहीं रहना चाहता उसको ख़त्म करना चाहता है उसको तलाक कहते हैं मुसलमान औरत अपने शोहर के साथ नहीं रहना चाहती रिश्ते को ख़त्म करना चाहती है तो उसको खुला कहते हैं इसका बुनियादी फ़र्क क्या है जिस तरह तलाक़ के लिए तीन माहवारी तक इंतज़ार करना है औरत के लिए मुसलमान औरत के लिए अगर वो खुला मांगती है तो सिर्फ एक माहवारी तक वो इंतज़ार करेगी यानी वन पीरियड दूसरा फर्क मुसलमान मर्द तीन अलग अलग बैठकों में सिर्फ तीन बार तलाक़ दे सकता है मुसलमान औरत जितने बार चाहे खुला ले सकती है लेकिन वो गैर जरूरी नहीं लेगी क्योंकि मोहम्मद रसम ने गैर ज़रूरी बग़ैर वजह के खुला लेने को कहा है कि ये ऐसी मुसलमान औरत मुनाफिका है तो ये ख़ुला का तारुफ हो गया तलाक़ और ख़ुला के बाद आइए समझते हैं कि इस्लाम में फ़ैमिली का जो कॉन्सेप्ट है जॉइंट फ़ैमिली का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है इस्लाम में अल्लाह ने बहुत वाजे, निसा सुर नंबर चार की आयत नंबर बाईस से लेकर आयत नंबर पच्चीस और इसी तरीक़े से अल्लाह सुबहान तुरह नूर की आयत नंबर इक्तीस और सुरह एज़ाब की आयत नंबर उनसाठ में तमाम वो रिश्ते बता दिए मुसलमान औरत को कि किन के सामने उसको हिजाब करना है किन के सामने हिजाब नहीं करना तो ज़ाहिर सी बात है ससुराली रिश्तेदारों में ससुर के अलावा ससुरे जिसको आम तौर पर कहते हैं फादर इन लॉ ससुर के अलावा दूसरे जितने मर्द रिश्तेदार ससुराल में होते हैं वो सब औरत के लिए गैर महरम हैं तो औरत को उनके सामने हिजाब करना है जाहिर सी बात है जॉइंट फैमिली में क्योंकि यहाँ पूरे एक जगह होते हैं और हिजाब नहीं होता तो इसीलिए इस्लाम में जॉइंट फैमिली का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और ख़ास तौर पर अल्लाह के रसूल मोहम्मद जब शौहर के भाई के बारे में मालूम की शौहर का भाई यानी जेठ या देवर के बारे में मालूम किया तो कहा कि शौहर का जो भाई है वो मौत है कहा तो सोचिए अगर कोई हमारी मुसलमान बहन या कोई मुसलमान औरत अपने देवर या जेठ के सामने बेपर्दगी करती है तो फिर उसको अल्लाह सुबहान तला दुनिया में भी उसको गुनाह मिलेगा आखिरत में भी फिर उसके लिए बर्बादी का वो बाज़ बन सकता है और आप सोचिए कैसे हम ये कह सकते हैं कि हमारे दिल तो पाक है हमारे दिल तो साफ़ है जबकि ये हुक्म मुहम्मद वसम के लिए आया है उमहतुलमिन के लिए आया है और साहबा साहबियात के लिए आया है तो हमारे दिल हमारी नीयतें उम्मतम से पाक नहीं हो सकती हमारे दिल की नीयतें अल्लाह के रसूल मोहम्मद के वक्त की मुसलमान औरतों से ज़्यादा पाक नहीं हो सकते उनके जूती की धूल के बराबर भी हम शरीफ नहीं हो सकते और आप सोचिए आज के वक्त की मुसलमान औरत कैसे शरीफ हो सकती है आप बताइए अगर वो कुरान हदीस से दूरी इख्तियार करती है तो हम शरीफ कैसे हो सकते हैं इसके अलावा अगर कोई मुसलमान मर्द चाहता है कि उसकी बीवी उसके माँ बाप की यानी शौहर के माँ बाप की यानी बीवी के क्या हो गए सास ससुरे हो गए उनकी खिदमत करें या उनका ख्याल रखे तो इसको वाजे हमको समझना ज़रूरी है कि मुसलमान बीवी पर कुरान और अल्लाह के रसूल मोहम्मद की सीरत में कहीं भी औरत के लिए लाजिम नहीं है ज़रूरी नहीं है कि वो अपने शौहर के माँ बाप की खिदमत करें हाँ अगर मुसलमान लड़की राज़ी खुशी अपने शौहर के माँ बाप की खिदमत करती है उनका ख्याल रखती है तो वो माशाल्लाह शौहर के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जन्नत कमा लेगी जन्नत में आला उसको मुक़ाम मिल जाएगा क्योंकि वो शौहर की राज़ी ख़ुशी के लिए कर रही है लेकिन मुसलमान मर्दों से भी मैं ये गुजारिश करूँगी कि जो अपने माँ बाप का ख़्याल आपको खुद रखना है जो असल आपका काम है तो आप अपनी मुसलमान बीवी पर जबर या जुल्म नहीं कर सकते इन बातों से हमको क्या समझ में आया कि मुसलमान औरत को शराय एतबार से इस्लाम ने हक़ दिया है कि वो अपने शौहर को ये कहे कि मैं आपके माँ बाप से अलादा घर में रहना चाहती हूँ और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में खुद ये एक आपको कंडीशन मौजूद है कि आप ये लगा सकती हैं कि आप अलग घर में रहना चाहती हैं शेख हुसैमिन रम्ह ने यहाँ तक कहा कि एक मुसलमान मर्द जब वो शादी करता है तो शादी करने के बाद निकाह के बाद उसको सबसे ज़्यादा ख़र्चे की जो जिम्मेदारियाँ पूरी करनी है सबसे पहले वो है इसकी बीवियों के खर्चे की जिम्मेदारी उसके बाद औलाद के खर्चे की जिम्मेदारी उसके बाद उसके माँ बाप के खर्चे की जिम्मेदारी ऐसा क्यों क्योंकि अल्लाह ने सूर बकरा की आयत नंबर दो सौ अट्ठाईस में क्या फरमाया वलहुन्ना वहन्नाजी बिलमूफ जिस तरह तुम्हारे हक हाँ औरतों पर है औरतों के भी हक हाँ तुम पर हैं और फिर सूरह निसा की आयत नंबर चौंतीस में अल्लाह ने क्या फरमाया अर रिजालु फरमायासा मर्द आदमी औरत का काम खौवा, है उसका निगरान कर है क्यों अल्लाह ने उसको फ़जीलत क्यों दी है औरत पर उसको एक मुक़ाम बढ़ कर क्यों दिया है क्योंकि वो अपने माल में से औरत के लिए खर्च करता है अब औरत की जो ज़रूरियात है उसको पूरा करता है ये चीज़ हम माशाल्लाह हमको समझनी चाहिए ये पांचवा मसला था इंशाल्लाह मैं अपनी तकरीर का अख्ताम करने से पहले आप सबको फिर से दावत दूँ कि इंशाल्लाह मेरी अगली तकरीर की जो नशस्त होगी उसमें मैं पाँच और अहम मसले मसले जो है औरतों के ताल्लुक से वो इंशाल्लाह उस पर तबसरा करूँगी जिसमें आप लोग और आपके रिश्तेदारों को इनशाला दो सहबाब को फ़ीमेल्स को इनशाला ज़रूर लेकर आएँ और मेरी तहरीर को उस आयत से मुकम्मल करना चाहती हूँ जिससे मैंने शुरू किया था सुर नहल सरा नंबर सोलह की आयत नंबर अल्लाह ने फ़रमाया उज़ बिन रजीम मन आमिलाकर जो कोई नकमल करेगा चाहे वो मर्द हो या औरत वह हुआ मोमिन लेकिन वो मुसलमान हो फला तो ये तोया अल्लाह उनको बेहतरीन जिंदगी अता करेंगे वला नज़ियानी माँ का मलून और उनको बेहतरीन अजर आख़िरत में उनकी नेकियों का मिलेगा व आखर उदावन रबी मैं अल्लाह का शिक्र अदा करते हुए हमारे इस प्रोग्राम के अख्ताम का एलान करती हूँ सुबह नही व भी हमदही सुबह नमदिका व ना अः अल्ला وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين